हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल राणा है और मेरे साथ बैठी हैं इंशिका बेदी, जो कि हमारी फिल्म की हीरोइन है। इंशिका बेदी इस फिल्म में पूजा का रोल कर रही हैं और मैं पवन भल्ला का रोल कर रहा हूँ। फिल्म, जैसा कि आप सबको पता है, टीज़र आउट हो चुका है और 5 जनवरी को ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और 5 फरवरी को फिल्म की रिलीज है। सो यू वांट टू से समथिंग? My name is Inshika Bedi. I'm from England, and I came to Bombay looking for a job. Actually, this just sort of happened with me just by chance, and I had a lovely opportunity to work with Ujjwal and Rakesh and on a fabulous script, bhalla@hala.com, sorry, BHK, that they fondly refer to it as. So I really enjoyed the film, and the character that I'm playing of Pooja Badlani is, I mean, it was quite similar to what I really am, you know. That, so I could relate to the character very well. So it was quite easy for me, and I really enjoyed it. So it was a lovely experience, and I had a good time. Yeah. So जैसा इंशिका ने बोला कि मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ उस कैरेक्टर को, मुझे एक्चुअली कहने में थोड़ा सा संकोच होगा कि मैं पवन भल्ला से रिलेट करता हूँ कि नहीं करता, क्योंकि वो फिल्म में बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जिस तरह के का रोल पवन भल्ला का है। और मेरे जो फ्रेंड बने हैं, हम दोनों जिस तरह की ज़िंदगी बॉम्बे में जी रहे हैं, आम तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक बहुत बड़ा टेंशन सबकी ज़िंदगी में होता है। बाहर से लोग आते हैं और सबका एक सपना होता है एक छोटे से घर का, जिसकी शुरुआत होती है एक वन रूम किचन से लेके 5 BHK तक जाने की। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेट 1 BHK ओनली, अब जस्ट अ होम इन बॉम्बे और एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो आई थिंक BHK जैसी फिल्म जो है वो हर आम आदमी से रिलेट करती है। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब हर एक अपना घर बनाना चाहता है, और इस सिचुएशन में हंसकर पवन भल्ला और उसके साथ साथ उसके रिलेशन में पूजा एंड इनके माँ बाप और हमारे फ्रेंड्स किस तरह से फंस जाते हैं, इस तरह की ये बहुत ही इंटेलिजेंटली लिखी हुई कॉमेडी है, जिसमें आपको ना चाहते हुए भी फंसना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि पोस्टर में काफी क्योस नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था फिल्म का और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? देखिए, जिस तरह का कियोस आपको पोस्टर्स में नज़र आ रहा है वो फिल्म में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। बहुत ही सुलझी हुई सीधी सादी फिल्म है। फिल्म्स के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, आपने देखा ही होगा, लेकिन हमारी फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक पैटर्न पर बनी हुई है। बहुत ही स्मूथ है, ऑडियंस उसको बड़े आराम से ले लेता है और चूँकि उससे रिलेट करती है तो बहुत ही स्मूथ वे में जाती है। तो फिल्म देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और जिस तरह से सिचुएशन में कैरेक्टर फंस जाते हैं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह का कियोस तो है, पर वो एक सुलझा हुआ कियोस है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है फिल्म में। एंड आई थिंक व्हाट पीपल विल रियली एंजॉय अबाउट दिस फिल्म, स्पेशली ऑल ओवर इंडिया, लाइक यू मेंशनड अबाउट द बिग इश्यूज दैट पीपल हैव इन ट्राइंग टू परचेस अ हाउस हियर एंड हाउ डिफिकल्ट इट रियली इज, I think a lot of people will be able to relate to the problems that have arisen in this film, and you know, you can immediately say, oh yeah, that happened to me and this happened to me, or well, I'm going through the same rubbish right now with this problem and that problem. So it has really picked up on situational things that happen to people in day-to-day life, and that's, you know, that's I mean, I really enjoyed that part of the script and doing this. So, you know, that's something that the audience can really look forward to, is being able to relate to a situation that they face on a day-to-day basis. So, you know, that's... Just add to her, it's not about, you know, just getting a home in the metropolitan cities. कई बार होता क्या है कि आपको एक 1 BHK का हमारा ड्रीम है और वो हमको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होती है। एक और एक्स्ट्रा कमरे की चाहत जो इंसान की होती है, 2 BHK हो गया तो उसके बाद 3 BHK, 3 BHK हो गया तो उसके बाद 4 BHK। हमारे जो डायरेक्टर हैं राकेश चौधरी, जिन्होंने इस फिल्म को कंसीव किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। उनके अंदाज में कहें तो गुलजार साहब की एक लाइन वो बोलते हैं, जो अभी आप इंटरव्यू लेंगे तो अब जावेद साहब की, सॉरी, राकेश चतुर्वेदी ओम जो हैं,
वो हमेशा से कहते हैं कि हर इंसान को अपने घर में एक कमरा कम मिलता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और मुझे लगता है ये बात सभी पर लागू होती है, हम सब पर लागू होती हैं। जैसे जैसे हमारे ज़िंदगी बढ़ती जाती है, हमें महसूस होता जाता है कि हाँ, हमारे घर में एक कमरा कम है। तो घर के बाद, घर मिलने के बाद और कमरों की चाहत और इसी तरह की सिचुएशंस हमारी फिल्म में हैं, जो कि बड़े ही स्वाभाविक तौर से ऑडियंस को हंसा जाएंगी और गुदगुदा जाएंगी। काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं फिल्म में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? I had a lovely experience working with Ujwal firstly. You know, he's also quite a big star on TV, if from what I know. And you know, he's been a great help, and he really helped me throughout the film with regards to my Hindi. My Hindi was not so good, so he really helped me with that initially. And I mean, these were the first celebrities I had ever met. I had never met any celebrity, so when I met Mr. Pawa and his wife, I had seen them in quite a few films. They've done a mammoth amount of work, so. I was a bit starstruck, honestly, because they were so good. I mean, I had no acting experience anyway, so it was quite inspiring, and to be able to work with them, and you know, for them to remember their lines so quickly and spontaneously create so much humor on the set, it was lovely, and I had an absolutely amazing time working with them. So and you know, even backstage. They were great. They were really, really nice. They were friendly. They made me feel comfortable. And you have a lot to learn with such experienced veterans from the industry, which is really nice. So I had a lovely time working with everybody. Yeah. So about my experiences, like Yashpal ji and Manoj Pawa, Seema Pawa, sab log hamare film mein hain. बेसिकली आई एम फ्रॉम थिएटर, दिल्ली थिएटर। तो नॉर्मली ये सब लोग हमारे सीनियर्स थे, बट फिर भी थिएटर में ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के काम को पहले से हम लोग नाम भी जानते हैं, तो ऐसा बहुत नयापन फील नहीं हुआ। जैसे एज ए पर्सन भी सब, दे आर वेरी नाइस, एंड उनके साथ काम करके बहुत मज़ा भी आया। और जब मजे हुए कलाकार के साथ आप काम करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती चली जाती है। सो आई थिंक इट वाज हर फर्स्ट फिल्म, एंड इस तरह का एक्टिंग का बड़ा पार्ट भी इनके लिए पहली बार था। इन हिंदी, हाँ, दैट टू इन हिंदी, बिकॉज़ आई एम जस्ट, आई एम फ्रॉम अ मॉडलिंग, नॉट इवन अ मॉडलिंग बैकग्राउंड, व्हिच आल्सो हैपेंड जस्ट बाय चांस, यू नो, आई वाज इन बॉम्बे लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड आई, यू नो, स्टंबल्ड अपॉन डूइंग एड वर्क, and I never looked back. I continued with ads. But in terms of dialogue delivery and speaking Hindi, I literally had rejected this project. And I'm being honest, because I said I didn't want to let the crew down, because I knew that I probably may not be able to do it. But they worked so hard on me, and they gave me that comfort. And I felt really comfortable with the team. So yeah, I mean, it was lovely. So because of the team, I think Rakesh and मैं बहुत ज़्यादा confident थे कि इतने सारे अच्छे कलाकार के साथ इंशिका भी आ रही हैं, तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। जो कि आप फिल्म में देखेंगे, बहुत ही शानदार अभिनय इन्होंने किया है, जिसकी सराहना मैं अभी तक करता हूँ, एंड शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। बड़े पर्दे पर इमोशनल सीन और रोमांटिक सीन काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन कॉमेडी करना काफ़ी मुश्किल होता है, लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इससे कितना सही मानते हैं आप? देखिए, रोमांटिक सीन और इमोशनल सीन भी आसान काम नहीं होते हैं, और कॉमेडी भी आसान काम नहीं होती है, लेकिन हमारी फिल्म में इन सबका मिक्सचर है। हालांकि चूंकि हम लोगों ने ये फिल्म कॉमेडी फिल्म बनाई है, तो ये इस फिल्म में भी आपको कहीं कहीं वो जगह हम लोग ऐसे छू के जाते हैं जहाँ पर इमोशनल ड्रामा भी है। बट येस, कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, एंड एज अ मेकर मैंने कॉमेडी प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं और शो बनाया भी है, तो इट्स लाइक आई नो दैट कॉमेडी मेकिंग, कॉमेडी इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट ये फिल्म का प्रोजेक्ट जिस तरह से सामने आया, और राकेश ने जिस तरह की एक सिंपल सी स्क्रिप्ट को इतने शानदार ढंग से लिखा, एक्चुअली डायलॉग में एक अपने तरह का अलग नयापन है, जो कि आप अगर आप देखेंगे तो फिल्म में आपको पता चलेगा।
डायलॉग्स का जो लिखना है, जो आम बोलचाल की भाषा, देखिए आपने हर इंटरव्यूज में सबको ये कहते सुना होगा, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू नो कि वो एक्चुअली में फिल्म में नज़र आए. इतने शानदार नीरज बदवार हैं जो कि बहुत बड़े सटायरिस्ट हैं, जिन्होंने इसमें अपनी फिल्म में अपने हमें फिल्म में लाइंस भी दी हैं. तो एक वन लाइन में किस तरह से सटायर, किस तरह से कॉमेडी का पंच मार देना अपने आप में बहुत बड़ी कला है. तो हमारी फिल्म एक सीधी साधी एक आम आदमी से रिलेट करने वाली फिल्म है. उसमें भाषा का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और कैसे ह्यूमर निकाला गया है, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है, जो कि आपको BHK में देखने को भरपूर मात्रा में मिलेगा थ्रू आउट स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म एंड टिल द एंड ऑफ द फिल्म. कॉमिक राइटिंग और फिल्म की राइटिंग काफ़ी डिफरेंस होता है, तो आपको क्या लगता है जो डायरेक्टर जिन्होंने इसे लिखा है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उन्होंने आपको पोर्ट्रे कैसे किया अपनी स्टोरी? देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग किया आपने. आपने जिस तरह से बात की है, हमारे जो राइटर्स हैं इसमें जिन्होंने लिखा है वो भी अपने आप में बहुत नए राइटर्स हैं. हालांकि राकेश चतुर्वेदी जी जो हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, इज़ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सो इज़ बीन इन टू इन द हिंदी इंडस्ट्री एंड लिखने में उनका काफ़ी सारा टाइम हुआ है. लेकिन इस फिल्म में इन्होंने जो टीम बनाई है, फिल्म राइटिंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो डायलॉग्स जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने कभी फिल्मों में डायलॉग नहीं लिखे हैं, बट ये राकेश चतुर्वेदी जी का कॉन्फिडेंस है. उनको उनकी फिल्म के लिए क्या बेस्ट लगा और किस तरह से उन्होंने हैंड पिक करके डायलॉग्स को लिखे, डायलॉग्स को चूज करके फिल्म में डाला है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. कैप्टन ऑफ द शिप को अगर मालूम है कि हर डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ किस चीज़ में अकॉर्डिंग टू द फिल्म क्या चाहिए, तो कहीं पर कोई समस्या रहती नहीं है. नीरज बदवार हैं जिन्होंने कभी लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप उनके लेखन को फेसबुक में अगर आप कभी टाइप करेंगे और उनको देखेंगे तो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि उनकी एक वन लाइन में कितना ह्यूमर होता है. या जो दूसरे राइटर हैं हमारे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सत्यव्रत जी हैं, उनकी लेखनी में वो जिस तरह से लिखते हैं उनकी लाइन में किस तरह से ह्यूमर आ रहा है, ये आप जब फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन वो फिल्म देखिए, कई बार क्या होता है कि पंच निकालने के चक्कर में कहानी की दिशा और दशा से भ्रमित हो जाती है पंच निकालने के चक्कर में. बट इसको फिल्म के साथ कैसे सामंजस्य हमारे राकेश चतुर्वेदी जी ने बैठाया है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है. और ये इस फिल्म की सक्सेस इस बात को बहुत बढ़ चढ़कर बोलेगी कि कॉमेडी, एक अच्छी कॉमेडी कैसे लिखी जा सकती है और फिल्म में उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरी बात कि कभी आपने किसी को दारू पीकर सलाह दी है अपने लाइफ में, डायलॉग भी आपका फिल्म में इस तरह का है, हम चाहेंगे कि बताएं किसी को अगर आपने. देखिए ऐसी लाइंस हैं और ऐसी वन लाइनर काफ़ी सारी हैं फिल्म में जो कि जो फेमस हो सकती हैं. नॉर्मली ये आप भी जानते हैं, दोस्तों के बीच में एक दो ड्रिंक के हो ही जाती हैं और आदमी बहाव में बहकर बहुत कुछ बोलने लगता है और उस समय दिमाग ज़्यादा चलता है. और मुझे लगता है जब प्रॉब्लम सामने होती है तो इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 50 तरीके ढूंढता है. बॉम्बे जैसे शहर में 1 BHK जैसी चीज़ को यदि अगर एक प्यार के साथ जोड़ के एक टारगेट बना दिया जाए तो वो कितना बड़ा टारगेट हो सकता है लाइफ में. यू कांट गेट अ होम एंड यू कांट गेट अ लव लाइफ, दीज आर टू सेपरेट थिंग, बट इफ समबडी यू नो उसको जोड़ दे तो कितना बड़ा टारगेट बन जाता है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है. और इसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया था जी. हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया था, तो इतना बड़ा टारगेट बन जाता है तो जहाँ पर दिमाग नहीं चलता है उसके बाद एक दो ड्रिंक्स में दोस्तों के साथ हर तरीके के समाधान निकलने लगते हैं और उस किसी तरीके पर अगर आप आगे बढ़ जाएं तो वापस मुड़ने का रास्ता नहीं होता है. तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि अनशंट सलाह ना दें. अब उस सलाह पे कौन भल्ला ने काम किया है या नहीं किया है या करके उसको क्या मिला है, ये फिल्म में आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा. एक्चुअली
फिल्म जो मेरे जहन में आई वो सबसे पहले क्या कि ये बहुत ही जो डे टू डे लाइफ में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत जो नीड है आज की डेट में घर को लेकर के, मैं खुद भी उस तरीके की ज़रूरत से घिरा हुआ हूँ कि एक अपना खुद का एक घर बना पाना किसी भी शहर में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो या कहीं भी हो, उसे एक घर का बना पाना एक आम इंसान के, एक कॉमन मैन की लाइफ में कितना मुश्किल होता है, वो लेकर के मेरे जहन खुद भी मेरे सामने वो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आती रही। तो एक छोटी सी ऐसी घटना घटी कि मतलब कि मेरे घर में मेरी शादी वगैरह की बातचीत चलती रहती थी, तो हर शादी करने वाले पूछते भाई लड़के का घर है कि नहीं है, लड़का खुद की छत है कि नहीं है। तो इस तरीके से करीब 7-8 चीज़ें जो है, 7-8 रिश्ते जो है वो इसी तरीके से रिजेक्ट होते कि भाई इसका तो अपना घर नहीं, मुंबई में रहता ही है वो। तो ग्रेजुअली दैट डेवलप्ड दैट थिंग जस्ट वो मेरे जहन में धीरे धीरे पैदा हुई कि इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से एक स्क्रिप्ट हंसी के उसमें जिस तरीके से लोग आते थे, उनसे जो मिलना होता था, जो उनके क्वेश्चंस होते थे, जिस तरीके के किरदार आकर के मिलते थे, उनसे इंस्पायर होकर के धीरे धीरे मैंने ये स्क्रिप्ट डेवलप की। और ये सबसे बड़ी अहम बात ये है कि आप एक कॉमिक राइटर, आप एक कॉमिक राइटर हैं जो एक स्क्रिप्ट लिखता है परमानेंटली, आप एक, तो आपने कैरेक्टर को अलग अलग जो डायलॉग किए हैं वो किस तरह के आपके लिए, जैसे कोई भी कैरेक्टर, जैसे आपने जो मेन आपके हीरो विकास थी उनको भी आपने अलग तरीके से ट्रीट किया होगा, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया होगा, तो किस तरह से क्या मोटिवेशनल फैक्टर था? इसमें जो सबसे अच्छा मोटिवेशन फैक्टर कि मैं राइटर होने से के साथ साथ जो मुझे फिल्में लिखी हैं, लेकिन मेरा एक्टिंग स्किल्स में मुझे बहुत काम आया। खुद थिएटर एक्टर हूँ और काम करता रहता हूँ, मोटली थिएटर ग्रुप है नसीरुद्दीन शाह साहब का, उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ, NSG से पास आउट हूँ, तो ये लगातार काम करता रहा। तो इसमें जब भी मैं कोई किरदार घड़ता था तो बीइंग एन एक्टर पहले उसमें खुद जाकर के परफॉर्म करके वो डायलॉग्स कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, उठेगा बैठेगा, उसकी क्या उसका क्या बैकग्राउंड होगा, वो हर किरदार का हर एक्टिंग करके उसका मैं तब उसको लिखता था वो सारी चीज़ें। तो वो मुझे बहुत सहूलियत मिलती थी, आसानी मिली और वो इस तरीके से डेवलप किया। बड़ी स्टार कास्ट है, तो कितना डिफिकल्ट या इजी रहा आपके लिए वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और उसके बाद कमिंग आउट? देखिए किसी भी फिल्म में सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है स्टार्स को या किसी भी एक्टर को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको सेट तक लाना शूटिंग पर। हर एक्टर, मैं खुद भी एक्टर हूँ तो मैं जानता हूँ कि हर एक्टर एक बच्चा होता है, उसका जो अपना बच्चा होता है उसको हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को जानना होता है, उसको अपने बारे में, किरदार के बारे में, स्टोरी के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानना होता है, क्योंकि वो खुद अपना बेस्ट आउटपुट देना चाहता है। तो ऐसे में खुद जो जिस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं मैं खुद उनके साथ लगातार काम करता रहा हूँ बीइंग एन एक्टर, तो मुझे उनको समझाने में, चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट करने में, कन्वर्सेशन में या कोई भी चीज़ उनको मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत नहीं आई, पूरा सपोर्ट रहा। और उन्होंने आकर के उस चीज़ को जो फिल्म के लिए चाहिए थी, जो ज़रूरत थी किरदार की, उनको आकर के पूरी तरीके से जीवंत किया, उसको लाइव। तो ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है, लोगों तक कब पहुँचेगा और कब रिलीज होने वाली है? 5 जनवरी 2016 को इसका ट्रेलर जी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। टीज़र हमारा अभी कल ही आज 29 तारीख को आ चुका है जी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और 5 फरवरी को हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, तो 5 जनवरी हमारा ट्रेलर है और ठीक 1 महीने बाद 5 फरवरी को ये फिल्म दर्शकों के सामने सिनेमाघर में आ जाएगी। मेरा कैरेक्टर है, उसका नाम है लवली भाई खन्ना, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर है, बिजनेसमैन है और बहुत ही बेसिकली खाने पीने वाला अय्याश किस्म का आदमी है। और दादागिरी टाइप का आदमी है, लेकिन ये है कि जितना बाहर फ्लैम्बॉयंट है और अय्याश है और दारू पीना याशी करना उसमें बिलीव करता है, लेकिन उतना ही घर के अंदर बीवी से डरने वाला आदमी है, बेसिकली ये उसका कैरेक्टर। और ये जो है सीमा जी, उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करूँ। इस कैरेक्टर का नाम है नीलम और ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और पैसे इसके ही हैं जिसपे
लवली राज करता है, तो इस बात का उसको है कि मेरे बिना पूछे मेरा पति कोई और काम ना करे। लेकिन मज़ेदारी इसमें यह है कि पति इतना डरते हुए भी सब कुछ कर लेता है और वो बीवी फिर भी इतना डोमिनेट होते हुए भी बहुत ही इनोसेंट है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो दोनों करेक्टर्स बड़े मज़ेदार हैं उस तरह से कि एक दूसरे से रिलेशन अलग है, बट एक्चुअली में एंड में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे तो बड़े प्यारे से लोग हैं, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सर, इस फिल्म से आप कैसे जुड़े, जब आपको ऑफर किया गया तभी आपका क्या रिएक्शन था इस फिल्म के, क्योंकि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। हाँ, मतलब राकेश चतुर्वेदी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम पहले भी स्टेज पे काम कर चुके हैं और इनफैक्ट उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी इससे पहले उसके अंदर भी हमने काम किया था, उनके साथ हमारे संबंध रहे हैं, स्टेज हम लोग साथ में काम करते रहे हैं। तो जब उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की तो लेके आए प्रपोजल और स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमें लगा कि ये तो बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है, आउट और एंड आउट कॉमेडी है, फन फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, और इमीडिएटली हमने एकदम हाँ कर दी कि हाँ इसको करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसे करने में, कोई बिल्कुल संकोच ही नहीं हुआ, सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई क्यों ना की जाए, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी। सर, जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने देखा कि आपके कैरेक्टर सबसे अलग होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब अपने किरदार को चुनते हैं? बेसिकली कुछ ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसके अंदर, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों को देखने में मज़ा आना चाहिए उसके अंदर, मेरा सिर्फ बेसिक थॉट ये रहता है कि उसके ऊपर वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, एक फैमिली एंटरटेनमेंट हो, सारी फैमिली अच्छी तरह से देख सके उसको, और जो डायरेक्टर हैं जो टीम है उसके साथ एक अच्छा रैपो होना चाहिए ताकि काम करने में मज़ा आए और आप अपने काम को इंजॉय करें। अगर आप अपने काम को इंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली लोग भी उसको एंजॉय करते हैं, मेरा तो ये क्राइटेरिया रहता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिश यही रहती है, मैंने भी फिल्मों में तो बहुत कम काम किया लेकिन वैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है थिएटर और टेलीविजन का, लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि एटलीस्ट हमारे काम से हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये मैं भी बहुत कॉन्शियसली इस बात पर ध्यान रखती हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि गलत प्रभाव पड़े सोसाइटी पे, अच्छी इमेज बने हमारी और अच्छी इमेज हम ऑडियंस तक पहुंचाएं, ये सबसे पहले ध्यान रहता है। और करेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, अच्छी टीम हो, जैसे कि मनोज जी ने कहा कि वो किसी भी टीम के साथ काम करे उस टीम के साथ काम करने में मज़ा आए, आप पूरा अपना जो प्रोसेस है जो पूरा फिल्म का टाइम होता है उसमें आप एक परिवार फील कर सकें और एक मज़े से काम कर सकें। मनोज जी, आपको अगर पूछा ये जो आपका कैरेक्टर है लवली भाई खन्ना का, नीलम खन्ना से बहुत डरता है, रियल लाइफ में कितने डरते हैं? मुझे लगता है कि रियल लाइफ में हर आदमी अपनी बीवी से डरता ही है, और डरना, देखिए डरना एक पॉजिटिव सेंस के अंदर ही मैं उसको कहूँगा, क्या होता है कि ये जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई ये गाड़ी के दो पहिए हैं, वो बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते थे क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग एक दूसरे के पूरक हैं, अगर वो बाहर का डिपार्टमेंट संभालता है तो वो एक होम का डिपार्टमेंट वो संभालती, तो हम एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करें, तो वो डरना नहीं है, वो एक सौंपना है कि अच्छा भाई इस डिपार्टमेंट में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, इट इज योर डिपार्टमेंट, जो आपने कह दिया वो आपने कह दिया, और वो जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ बाहर काम करता हूँ और वो क्षेत्र मेरा है, वहाँ जाके करना और संभालना वो मेरा काम है, तो इट इज लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट डरना डरना। हाँ, इस स्टोरी के अंदर फॉर द फन एलिमेंट और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि भाई चूंकि लवली खन्ना कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करता था और वो जो बना है इस कहानी के हिसाब से वो बना है अपनी बीवी के फादर के पैसों की वजह से, तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी पंगा लिया तो इमीडिएटली मेरी लगाम खींच दी जाएगी और मुझे नीचे कर दिया जाए, तो वो कहानी का एक एलिमेंट है। जैसा कि कहानी में आप रियल एस्टेट एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में ऐसा होता है कि लोगों के लाइफ में जिंदगी में कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट से पाला जरूर पड़ता है,
आपके लाइफ में ऐसा कोई पाला पड़ा है रियल एस्टेट से जो आज तक याद हो और आगे भी याद रहे? एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत बहुत अर्ली स्टेज में जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पहला फ्लैट खरीदा था तो कह सकते हैं एक मामूली सा इंसिडेंट हुआ था। वो ऐसा हुआ था कि फ्लैट खरीदा हमने, उसका पूरा पैसा दिया और उसके बाद वो जो थे वो लोग अहमदाबाद के लोग थे और वो अहमदाबाद के लोग थे और वो सैटरडे का दिन था और हमें ऐसा लगा कि आज शाम को जो है हमने क्योंकि पूरा पैसा दे दिया है और अब शाम को हमें चाबी मिल जानी चाहिए और क्योंकि पैसे दिए हैं और चाबी मिल जाए और हम फ्लैट ले लें। लेकिन अचानक वो प्रॉपर्टी डीलर आया और उसने कहा कि भाई ये लोग कल सुबह अहमदाबाद जाएंगे, इनकी ट्रेन जो है सुबह की है और हम फ्लैट के बाहर खड़े थे कि हमने पैसा दे दिया है और पेपर वेपर सब जो हो गया है और अब हम बाहर खड़े हैं, अब रात को हम बाहर सोएं और सुबह आए और सुबह जो है ताला लगा मिले और ये लोग हमें मिले नहीं तो हम तो मतलब पैसा दे के भी छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर वो हमें जो बीच में इन्वॉल्व थे लोग उन्होंने समझाया नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक सेकंड को हमें लगा था कि ये गड़बड़ कर गया क्या प्रॉपर्टी वाला डीलर वाला एजेंट। लेकिन ऐसा कभी वो एक वाक्य मुझे याद पड़ता है लेकिन वो लकीली ऐसा हुआ नहीं। वैसे आमतौर पे शहरों में हर गली में अभी हम बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से प्रॉपर्टी डीलर में एक अच्छी बातें और एक बुरी बातें क्या है? नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो कि मैं कुछ ऐसा कुछ बुरा या अच्छा कह सकूं, लेकिन जनरली स्पीकिंग तो हम लोग क्यों उन प्रॉपर्टी डीलर के बीच में पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं या क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है? कॉमन सेंस की बात है क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम क्या है, कौन लोग हैं, जिनको जानते हैं, बिकॉज दे आर इन टू बिजनेस, या उनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ना क्योंकि दे आर इन टू बिजनेस, दे नो पीपल, इसीलिए वो बीच में वो लेते हैं। तो ये वो एक इट्स लाइक ए बिजनेस, तो हाँ वही है जी। सर आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप एक गलत मैसेज नहीं देना चाहते फिल्म के थ्रू, शुद्ध कॉमेडी है, तो बॉलीवुड में अभी कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स आ गए हैं, सेक्स कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए जॉनर तो हमेशा से रहे हैं, आज से नहीं है, बी ग्रेड कॉमेडी, सी ग्रेड कॉमेडी, सेक्स कॉमेडी और वल्गर कॉमेडीज भी रही हैं। हमारा है तो यही मानना कि हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना चाहते, हम हमेशा अपने आप को ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसी कॉमेडी से एसोसिएट करना चाहते हैं जो कि एक परिवार जैसे हम अपने बच्चों को ये दिखा सकें कि ये हमने फिल्म की है, हमें शर्म ना आए अपने बच्चों को दिखाने में कि भाई हमने ये फिल्म की है, तो हम खुद भी चाहते ताकि और लोग भी अपने परिवार के साथ वो फिल्म देख सकें। और भी जॉनर जो है मैं एक्सप्लोर करूँ, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हों, चाहे और भी तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, बट होता है ये कि जनरली हमारी इंडस्ट्री में जनरली ऐसा होता है कि एक टाइपकास्ट बन जाते हैं लोग, सिक्योर्ड हो जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई एक अच्छा एक्टर है, हम जानते भी हैं कि भाई ये दूसरा तरह के भी रोल कर सकता है, बट पंगा काहे को लेने का, ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें अच्छा है, कॉमेडी का ये कर सकता है, चलो भाई इसको ले लो, ये नेगेटिव है, चलो भाई ये नेगेटिव वाले वो ले लो। लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर तो मैं चाहूंगा कि और तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट जॉनर्स अगर मुझे मिले तो मैं करना चाहूंगा, क्यों नहीं करना चाहूंगा, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करना चाहूंगा, मैंने किए भी हैं शुरू शुरू के कुछ सीरियल्स में, ऐसे सीरियल्स में नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, बीइंग सैरिस एक फिल्म आई थी उसके अंदर एक बड़ा ही नेगेटिव सैडिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, खाप भी एक फिल्म आई थी, उससे पहले सीरियल था सी हॉक्स जिसके अंदर मेन नेगेटिव विलन मैं ही बना था, फ्यू कैरेक्टर्स हैं जो मैंने किए हैं। अच्छा इस फिल्म में हमने आप दोनों की जोड़ी देखी, कुछ और प्लान्स हैं कमिंग टुगेदर फॉर मूवी या कुछ राइट अप या डायरेक्शन का कुछ ऐसा? एक्टर से एक्टर की प्लानिंग से तो फिल्में बनती ही नहीं, अगर बनती होती तो मैं और मनोज तो बहुत टॉप के हीरो रोल होते, तो ऐसा होता नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है दूसरों पे, मतलब एक्टर्स एटलीस्ट डायरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, स्टोरी पे डिपेंड करते हैं,
और फिल्म जो भी बना रहा है उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो हमें साथ में कास्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली हम ज़रूर साथ में काम करना चाहेंगे क्योंकि इस फिल्म में साथ में काम करके बहुत मज़ा आया और मैं और मनोज मिले ही थिएटर में हैं, साथ में काम करते हुए ही मिले हैं तो हम दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपने एक दूसरे के साथ काम करते हुए और आज भी थिएटर कर रहे हैं साथ थिएटर तो हम लोग करीब हैं जो हमारे हाथ में तो हम हमेशा से कंफर्टेबल हैं पर आप ये तो सिर्फ जो फिल्म बना रहा है या जो फिल्म बनाना चाहते हैं उनकी दृष्टि की बात है कि अगर उन्हें हमारा कपल अच्छा लगता है पर्दे पर भी मतलब वैसे तो उनकी चॉइस नहीं है पर पर्दे में उनकी चॉइस हो सकती है उन्हें अच्छा लगता है तो वो हमें कास्ट कर सकते हैं साथ में और हम करना चाहेंगे। मेरा किरदार है मोती, मेरा नाम है इसमें और थोड़ा चालू किस्म का लड़का है जैसे कि कुछ कुछ फिल्मों में करता रहता हूँ उस तरह के काम और इसमें मैंने कुछ कुछ थोड़ा अलग तरीके से किया है चालू बना और मतलब अपनी फैमिली को लेकर अपनी वाइफ को लेकर के वो अपने जीजा के यहाँ आ जाता है तो मनोज जी मेरे जीजा बने हैं और सीमा जी जो उनके पत्नी हैं वो मेरी बहन बनी है तो इस तरह का किरदार है मेरा और किस तरीके से मैं अपनी बहन के लिए उसमें काम करता हूँ सर। मैं स्पाई हूँ मतलब अपनी बहन का। सर आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े हैं? भाई अपने डायरेक्टर साहब राजकुमार जो है वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र रहे हैं और उनकी स्क्रिप्ट तो उसका ये रहता है कि सबसे पहले जब भी कोई अपने आसपास का फिल्म बनाता है प्लान करता है तो अपने आसपास के लोगों को टटोलता है तो उसमें कॉन्टेक्ट किया बताया कि भाई ये इस तरह की कहानी है वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी बहुत एंटरटेनिंग लगी तो मैंने और किरदार मुझे अपना बहुत पसंद आया तो मैंने किया इस तरह। फिल्म में जो है डेब्यू एक्टर है पावा जी है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? पावा साहब के साथ मैं पहले भी काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ। सीमा जी के साथ मैंने आँखों देखी की हुई है तो बिल्कुल एकदम फैमिली रिलेशनशिप तो बिल्कुल बनती हुई चली गई अपने आप ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में इनका साला हूँ और ये मेरे जीजा हैं ये मेरी बहन है और बहुत ही उम्दा तरीके की कॉमेडी निकल के आई है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत अच्छे लगे। ख्वाहिश अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी होना कॉमेडी मैंने जिसे कहना चाहिए कि ह्यूमरस कैरेक्टर काफ़ी किए हुए हैं और इसी तरीके से मैंने ये कैरेक्टर भी किया और उम्मीद है कि मतलब आगे आने वाले समय में कुछ सीरियस तरह के किरदार भी करूं जो कि अभी मैंने ज़्यादा किए नहीं हैं और उम्मीद है कि इस तरह के किरदार कुछ नेगेटिव थोड़े थोड़े मैंने किए हैं उसमें काफ़ी आपको मतलब एक्टर को काम करने के लिए मिलता है उसमें एक्सपोजर काफ़ी मिल जाता है ना तो वो भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा कुछ सीरियस टाइप का काम भी होगा। सर हमने जैसे कि पोस्टर में देखा कि आपका एक डायलॉग है ना घर का ना घाट का हाँ। तो रियल लाइफ में ऐसी कभी सिचुएशन है कि ना आप घर के रहना घाट के ऐसा कभी हुआ? हाँ मतलब वो अभी एकदम से तो ऐसा याद नहीं कि मतलब कि घर का रहा ना घाट का अभी ईश्वर ने ऐसी वाली स्थिति बनाई नहीं अभी ऐसा कुछ याद नहीं मिलता। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? कमिंग प्रोजेक्ट है जैसे कि एक फिल्म कर रहा हूँ मैं वाइस्कोप वाला और ये फिल्म जैसे काफ़ी समय पहले बहुत ही चर्चित फिल्म रही है बड़ी क्लासिक फिल्म थी काबरी वाला बहुत साल पहले उसका रीमेक समझ लो मतलब उसके सब्जेक्ट पे बेस समझ लो उस फिल्म को वो है वाइस्कोप वाला और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझे डैनी साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरी एक फिल्म है रुस्तम जिसमें मैं अक्षय जी के साथ पहली बार काम करूँगा और सुल्तान है सलमान जी के साथ उसमें मैं एक छोटा सा किरदार कर रहा हूँ अच्छा सा जो कि कमेंटेटर है। बाकी एक फिल्म है टिकट टू बॉलीवुड और जिसमें मनोज जी भी साथ में हैं वो एक फिल्म कर रहा हूँ ये मतलब करीब जनवरी से लेकर मार्च तक का एक काम है। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैंने इस फिल्म में बी एच के में म्यूज़िक किया है और गाने लिखे भी हैं और एक गाना गाया भी है मैंने। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ और संगीत का म्यूज़िक का शौक बचपन से रहा है और पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी करता आ रहा था मैं और गाने वगैरह बनाता जा रहा था और जो शौक था वो खींच के मुंबई लेके आया मुझे तो बस अभी कोशिश जारी है कुछ अच्छा काम करने की। और राकेश जी से मैं शुरुआत के दिनों में जब मैं आया था तो मिला था उनसे
तो उन्होंने बोला था कुछ अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर याद करेंगे। आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे याद किया और काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी मूवी बनी BHK, क्योंकि 5 जनवरी को इसका ट्रेलर लॉन्च है और 5 फरवरी को अपनी ये मूवी लॉन्च होने वाली है। तो लेट्स सी, बहुत मज़ा आएगा ये मूवी देखने में सबको। म्यूजिक फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो ये फिल्म के लिए क्या कुछ बताया गया था आपको, किस तरह का म्यूजिक किया है आपने? इस फिल्म के लिए मुझे बताया गया था कि टोटल कॉमिकल मूवी है, पूरी कॉमिकल मूवी है और एक दो सिचुएशन थी रोमांटिक गानों की, तो उसके रोमांटिक गाना है और ओवरऑल एक फ्लेवर रखना था कि इन्जॉय करे, जो जैसा भी म्यूजिक बने ऑडियंस इन्जॉय करे उसको। टोटल फिल्म में 3 गाने हैं एक्चुअली, एक रोमांटिक गाना है और एक सिचुएशनल प्लस उसको प्रमोशनल गाना जो खुलेगा तो आप सुन सकते हैं वो है, और एक गाना है हमारी जो इंशिका जो उनकी लीड हुए हैं उनके ऊपर है गाना, उनका वो इंट्रोडक्शन होता है गाने से। तो टोटल 3 गाने हैं और एक गाना जो मैंने गाया है उसके 2 वर्जन हैं एक्चुअली, तो वो अनप्लग है, वो भी सुनने में अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर मैं गाना चाहूँगा अपना जो प्रमोशनल गाना है वो, तू बन के वीर जांबाज बड़ा मैदान जंग में आया, ले हाथ हाथ तलवार पावरे करतब सौ दिखलाया, काहे फटके भाई फालूदा, काहे फटके भाई फालूदा, जब बैक में ना था गुदा तो क्यों लंका में कूदा, जब बैक में ना था गुदा तो क्यों लंका में कूदा। और एक गाना जो रोमांटिक गाना है वो आपको मैं एक लाइन सुनाता हूँ, आरज़ू है कि तू इश्क पहचान ले, तुम पे मरते हैं हम इतना तो जान ले, तेरी नजरों से छुपा के नाम तेरा ले रहे, तेरी ही तस्वीर से हम हाल अपना कह रहे, ये सच है बात यही तो है, हम तो दिल से हैं बस तेरे, मैं तुझ पे जान लुटा जाऊं एक नजर प्यार की तू दे दे, सुनिए हाय सुनिए। इस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में? मेरा एक लॉटरी बेचने वाले का किरदार है, बब्बू खान करके एक कैरेक्टर है जो लोगों को उकसाता रहता है कि भाई लॉटरी खरीदो और उधार भी देता है, तो उसी चक्कर में एक करेक्टर को उधार दे करके कुछ 2.5-3 लाख का उधार है, 2,80,000 का उधार है, वो उससे लेने जाता है, तो उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर ये सारी फिल्म की जो कंफ्यूजन है जिस घर को लेकर के है, तो वही घर में पहुँच जाता है, तो अल्टीमेटली मेरा भी जाना वही कुदरती हो जाता है सिचुएशनली। नेगेटिव पॉजिटिव इस फिल्म में ऐसा कुछ मुझे लगता है कि है नहीं कि नेगेटिव कुछ ऐसा विलेन टाइप कुछ ऐसा नहीं है, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत क्यूट सा करेक्टर है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम लाइफ में हमारी, वैसा ही करेक्टर है एक, ना कोई ऐसा कत्ल करने वाला या खून करने वाला या रेप करने वाला या कोई उठा के ले जाने किडनेप वाला गंगा जल टाइप ऐसा कुछ नहीं है। मदर मेरी को बीच में मत लाना, नहीं ये तो डायलॉग राइटर का कमाल है, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं क्योंकि मैंने जो लिखा था उसको अच्छे से बोला, बस ये है बहुत तो अच्छा। कहीं ना कहीं लोगों के रियल लाइफ में लोग चाहते हैं कि वो लॉटरी खेलें और कुछ ना कुछ उनको मिले, आपने कभी लॉटरी खेली या फिर विश्वास? नहीं मुझे कभी लॉटरी पे विश्वास नहीं रहा, कभी भी लॉटरी का, हालांकि एक टाइम था इंडिया में खासकर नॉर्थ इंडिया में जब लॉटरी अपनी पीक पे थी और हर घर में मतलब रोना रोता थे वाइफ ने सबकी कि मेरा हस्बैंड लॉटरी के चक्कर में फंस गया है, वो लॉटरियां खरीद लेते थे खूब सारी लॉटरियां, हर रोज़ का चलता था उनका डेली का, तो कुछ पैसा आता था ज़्यादातर जाता था, पर मेरा कभी भी लॉटरी को लेकर के कभी कोई चाह नहीं रहा, ना ही मुझे कभी उसमें ऐसा लगा कि हमें ऐसा होना चाहिए कि लॉटरी के भरोसे रहना चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत अपना काम अपना खुद करना चाहिए मुझे लगता है।
सर नया साल आने वाला है, नए साल में क्या कुछ नया होने वाला है आपके साथ, कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं नए साल में? नए साल में सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि पहली फिल्म नए साल में ये आ रही है हमारी राकेश चतुर्वेदी की, और मेरी प्यारी कास्ट एंड क्रू जो है बिल्कुल एक फैमिली जैसी, जो हम सारे मेरे थिएटर के एक्टर हैं आसपास जितने भी हैं उसमें फिल्म में, और पहली फिल्म ऐसी आ रही है। मुझे दबंग या बजरंगी जैसी फिल्म नहीं बल्कि एक थिएटर के एक्टरों वाली फिल्म, पहली फिल्म आ गई, मैं इसी से नए साल में खुश हूँ। कोई विश नहीं, विश यही है कि मैं अच्छे रोल करता रहूँ, और जो कि भगवान की दया से मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन कुदरती कुछ ऐसा है कि ये सारे रोल, ये सारी फिल्में जो है या तो पंजाबी में है या हरियाणवी में है या फेस्टिवल फिल्में हैं, क्योंकि मैं अभी वो छोटे छोटे रोल करने के पक्ष में नहीं रह रहा हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं छोटी छोटी एंट्री करूँ या कुछ करूँ, अब मिले तो कोई बड़ा मिले, चाहे कमर्शियल फिल्म हो चाहे वो छोटे छोटे बजट की फिल्म हो, फेस्टिवल फिल्म हो या सो कॉल्ड आर्ट फिल्म जिसको आप बोल सकते हैं कि आर्ट, और आजकल तो खैर सब मिक्स हो गया है, तो इसीलिए तो रोल अच्छा, कंटेंट अच्छा हो, मेरी ये प्रेफरेंस है और वो पूरा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बीएचके के बाद और कौन-कौन सी फिल्मों में आप आने वाले साल में दिखाई देंगे? बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर दो हरियाणवी हैं, जिसको एक को नेशनल अवार्ड मिल चुका है पगड़ी, और एक और हरियाणवी फिल्म है सतरंगी जिसमें लीड रोल है मेरा। दो फिल्में हैं जिसमें दोनों में मैं विलेन हूँ, लेकिन बहुत प्यारी फिल्में हैं, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, पंजाबी फिल्में हैं, एक तूफान सिंह है, एक टाइगर है, और एक सरदार जी करके एक बहुत सुपरहिट ऊपरहिट फिल्म बन चुकी है पंजाब में, उसका पार्ट टू हो रहा है, तो उसकी शूटिंग के लिए मैं अभी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा हूँ इसी महीने, तो वो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ये वाले हैं। और एक हिंदी फिल्म है उसका अनटाइटल्ड है अभी, जो सोनागाची के ऊपर है, कैलकाटा में जो एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की की एक्चुअल स्टोरी है, वो जो आजकल एनजीओ की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उस लड़की के ऊपर ये करेक्टर है, जो जिसमें दिव्य दत्ता और मैं हैं और काफ़ी सीमा विश्वास हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। एक और बात हुई है आपके करियर में कि आपने हमेशा निगेटिव अगर किरदार अपने शुरू में निभाया, लेकिन अब वो आप चेंज कर रहे हैं, जी का एक सीरियल भी आपने किया, उसके बाद जो अभी इस तरह के जो किरदार है, तो आपके छवि को चेंज करने में विश्वास रख रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं? नहीं, पहले तो छवि बननी चाहिए थी तो बनी, तो छवि तो तभी टूटेगी जब कुछ बनेगी, तो वो गंगा जल, लगान, अपहरण और अब तक छप्पन वगैरह कुछ फिल्मों से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, ही कुछ विलेनिश काइंड ऑफ रोल थे जिससे इंडस्ट्री ने ठप्पा लगा दिया, तो उन्होंने नाटक देखे नहीं थे मेरे कभी, तो लेकिन मुझे नाटकों में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं मतलब ये साफ तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि मेरा 50% टाइम बॉम्बे में पूरे साल में 50% टाइम नाटकों में जाता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ मिलती है और अपने आप को रवा करने का भी मौका मिलता रहता है। लेकिन ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं नेगेटिव से शुरुआत करूँगा या ऐसा करूँगा, वो काम नहीं मिल रहा था, दाढ़ी बढ़ती गई, ऐसा हाल बन गया, वैसा नेगेटिव टाइप प्रकाश छाने दे दिया और वैसा टाइप वो हो गया, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ, जो कि कर रहा हूँ नाटकों में, तो हर तरह के फिल्मों में करना चाह रहा हूँ, जो कि कर रहा हूँ रीजनल फिल्मों में, तो अभी मेन स्ट्रीम में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है बड़ा कुछ। आई एम नॉट हैप्पी विद रोल, अभी दबंग में भी मिला मुझे रोल, दबंग टू में मिला था रोल, अभी दंगल में मिला था रोल, बट उस तरीके के रोल नहीं है कि मेरे को जो वो करें, तो इसलिए मैं थोड़े करूँगा तो अच्छी करूँगा। मिश्रा जी के ट्रैक पे नहीं चलना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कुछ? नहीं, संजय मिश्रा के ट्रैक पे ही चलना चाहता हूँ, लेकिन संजय मिश्रा का जो आधा पार्ट है ना, जो वो छुटकू से रोल करने वाले जैसे अनिल कपूर के साथ टशन में रोल अच्छे नहीं थे वो, या गोलमाल या कौन सी एक फिल्म थी उसी के छोटे छोटे जो एंट्री वाले, वो बेशक हिट हो जाएं या अच्छे लगे, पर आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ रोल, क्योंकि मैं चाहता हूँ आंखों देखी मसान, मेरे आइडियल संजय मिश्रा ये हैं, जो ये फिल्में हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं, ही इज ब्रिलियंट एक्टर, उस दिशा पे ही जाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि अपनी एज को ही प्ले करें। वैसे गंगाजल ने आपको एक नई पहचान दी, एक अलग मुकाम दिया, अभी जय गंगाजल का ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? शायद आपने ट्रेलर देखी होगी। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है, इंटेंस है, एंड
बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मानव कौल, प्रकाश झा खुद भी एक्ट कर रहे हैं जो कि कमाल के एक्टर हैं, वो अभी पता चल रहा है। और काश मैं भी होता इस फिल्म में, लेकिन मार दिया मुझे पहली फिल्म में, पहले गंगाजल पार्ट वन में ही। पर आई होप कि ये अच्छी ही होगी, अच्छी ही बनी होगी, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा डबल हो गई थी कि गंगाजल क्योंकि इतनी अच्छी बन चुकी थी कि पार्ट टू बनाने के लिए उनको चैलेंज था कि उससे अच्छी होनी चाहिए। तो एक मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी जाएगी। आपको लगता है कि 40 दिन में शूट हुई है पूरी पिक्चर, तो मैच्योरिटी लेवल आया होगा पिक्चर में? नहीं, तो हमारी फिल्म भी इससे ज़्यादा शूट थोड़ी हुई थी जी। हमारी फिल्म भी 40 दिन के आसपास ही शूट हुई थी, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं, पैच वर्क था कुछ, एक हफ्ते का बस, 5-6 दिन का पैच वर्क था, दैट्स ऑल। उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी तैयारी पूरी है और एक्टर अच्छे हैं सारे, तो 40 दिन कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सर, जो प्रेस भूमि लिया गया है वो बिहार का एक लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर लिया गया है। लेकिन बिहार में कई सारे ऐसे जो पुलिस ऑफिसर की मैं बात करूं, जी पुलिस ऑफिसर्स की, वहाँ पे मेल पुलिस ऑफिसर्स ही उतने नहीं कर पाते, लेकिन इसमें फीमेल कॉप को दिखाया गया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो यार सिनेमा है, जब क्रिश उड़ सकता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, दबंग मतलब 50 लोगों को मार सकता है, राउडी राठौड़ पीट सकता है, ऊपर 20 मंजिल से छलांग लगा सकता है, तो ये भी हमको थोड़ा सा तो इतनी तो लिबर्टी देनी चाहिए सिनेमा को कि एक लेडी, और वो की अच्छी बात है, उस और डबल चैलेंज हो जाता है, एक सिचुएशन और नाजुक हो जाती है ना अगर कोई लड़की है तो इंस्पेक्टर, तो मुझे लगता है कि नॉट अ बैड आइडिया, अच्छा है, बाकी फिल्म देख के पता चलेगा। सर, अगर बीएचकी की बात करें तो कोई पहले जो घर लिया हो आपने, ऐसी कोई मेमोरी है 1 BHK या 2 BHK, कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा किस्सा घर से जुड़ा? नहीं, घर से जुड़ा हुआ बस, जब बॉम्बे आए थे, जब 3 साल धक्के खा रहे थे, 3-4 साल, तो वही एक छोटे से वनराई कॉलोनी के एक कमरे में रहते थे, उन दिनों कई स्ट्रगलर आते थे जैसे मुझे याद है अभी भी, तो उनको एडजस्ट कर उसी एक कमरे में एडजस्ट करते थे हम, फिर पता लगता था मेरी पत्नी आ जाएगी, उससे पहले पहले तुम निकल लो भाई यहाँ से, क्योंकि घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। है मेरे दोस्त, मैं नाम लूँगा, NSD के दोस्त हैं काफ़ी, मेरे ख्याल 20-25 दिन रहे थे मेरे पास, तो उनकी जो बातें सुनता था इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म को मैं एक सबसे बड़ी एक BHK का एक ये सबसे अच्छी खास बात यह है कि एक सिचुएशनल कमाल की सिचुएशंस हैं इसके अंदर, जैसे अंगूर फिल्म है, सिचुएशन धीरे धीरे और ज़्यादा उलझती जाती है, वो जो सुलझाने की कोशिश करता है हर आदमी, लेकिन वो सुलझने की बजाय उलझती जाती है, जैसे हंगामा फिल्म में आपने देखा होगा, या हेरा फेरी में देखा होगा, जितना हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी उलझती जाती है सिचुएशन, तो इस फिल्म में भी सिचुएशन इतनी उलझती जाती है और जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कॉमेडी वही होती है जो सिचुएशनल हो, थोपी गई ना हो, फूहड़ता ना हो, क्या कूल हैं हम टाइप 3 ना हो, मुझे इट्स माय ओपिनियन, किसी का भी कैसे हो सकता है, तो मुझे उस तरीके की कॉमेडी अच्छी नहीं लगती जो जिसको सेक्स कॉमेडी या डायलॉग कॉमेडी या नाड़ा लटका दिया या पैंट ऊपर नीचे कर लिया जो पहले शक्ति कपूर करते थे, ये सब आई डोंट लाइक, ये सिचुएशनल कॉमेडी इज द बेस्ट कॉमेडी, इसमें हेरा फेरी, पड़ोसन, अंगूर, ये हंगामा, ये वाली फिल्में जो हैं ये उस ढर्रे पे ये फिल्म है, इसीलिए आई कैन से सिचुएशनल कॉमेडी आर द बेस्ट कॉमेडीज इन लिटरेचर भी और यहाँ भी। आपने भी बात की एडल्ट फिल्मों के, सुपर कूल जैसी फिल्में आई हैं, अगर आपको कुछ उस तरह की फिल्म ऑफर होती है तो क्या करें? बिल्कुल नहीं, जब मैं लाइक ही नहीं करता हूँ तो मैं करूँगा कैसे? कई बार आपको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ है फिल्म के अंदर और आप गलती से हाँ कर चुके होते हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको अगर मालूम है कि इसमें ऐसा कुछ है, तो मैंने तो मेरे ख्याल आज तक कम से कम 50 फिल्में मना की होंगी इस चक्कर में, इस तरीके की और भी कई, जैसे वो निठारी कांड था, उस पर फिल्म बनाने के लिए आ गए थे कोई, तो मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ मत बनाओ, काहे उसमें दुखती रख पे हाथ चढ़े, निर्भया कांड क्यों बनाना है, इन पे फिल्म क्यों बनाना है, किसी भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे समाज में कलंक है उस चीज़ को दोबारा से क्यों वो करना, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। टाइटल के बारे में क्या कहेंगे, भल्ला.com? बढ़िया है टाइटल, अच्छा है टाइटल, मतलब उसने सोच समझ के ही लिखा है, क्योंकि थोड़ा कैची भी है, क्या है क्या ये चक्कर, मतलब समझ में तो आए,
अगर आप इसमें लिख देंगे क्या मतलब भीगती शामें या कुछ ऐसा ऐसा साहित्यिक सा या ऐसा सीरियस सा सब्जेक्ट, जबकि फिल्म वैसी है तो टाइटल भी वैसा ही थोड़ा सा अलग सा होना चाहिए, जो टाइटल सुनते ही लगेगा यार कुछ क्या है क्या इसमें। मेरे ख्याल से वेरी गुड टाइटल। अच्छा मैं नमस्कार, यशपाल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, नया साल 2016 आप सबके लिए बहुत 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 शुक्रिया।